नमस्कार, आप देख रहे हैं INN24। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के नागपुर के न्यू लाइफ टेक्नोकेयर कंपनी को मिली बड़ी सफलता। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोऑक्साइड की मात्रा को कम करने वाले मशीन का किया आविष्कार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 25 मई 2013 को दरभा में हुए नक्सली हमले में घायल जवान के शहादत को दरकिनार कर सीआरपीएफ के जवानों ने लगाए जमकर ठुमके। झारखंड में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अधेड़ के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। दो भतीजों और नौकर ने आपसी रंजिश के चलते की थी हत्या। महाराष्ट्र के नागपुर की न्यू लाइफ टेक्नोकेयर कंपनी ने एक साल की कड़ी मेहनत और लगन से कामयाबी तक पहुंचने वाले अहद शेख के साथ शकील पिरजादा, सलीम हक, मोहम्मद जलील कुरेश, मोहम्मद सलीम जीवा शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि भारत में 8,24,000 वाहन कबाड़ हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2017 से भारत में BS4 मापदंडों का पालन नहीं करने वाले वाहन नहीं बिकेंगे। एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने याचिका दायर की थी कि सिर्फ BS4 मानक वाले वाहनों को ही बेचने का परमिशन मिलना चाहिए। भारत सरकार ने क्लीनर फ्यूल बनाने के लिए 18 से 20 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। न्यू लाइफ टेक्नोकेयर कंपनी ने प्रदूषण से होने वाले नुकसान को देखते हुए पिछले एक साल से लगातार कड़ी मेहनत से एक ऐसा आविष्कार किया है जिससे वाहन से होने वाला जहरीला परसेंट पॉल्यूशन आधारित एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिसे वाहन पे लगाने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड की मात्रा जीरो हो जाएगी। इसमें हमारे अहद भाई की लगभग एक साल की मेहनत है लगातार, और टीम उनको लगातार हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। एक साल लगा मेहनत करने में, 4 से 5 गाड़ी पर प्रैक्टिकल हो चुका है। इसकी बापूराव इंजीनियरिंग कॉलेज की उनको बहुत बड़ा सहयोग है, वहाँ से उनका भी तो हमको जो है रिपोर्ट देते हैं, सहयोग करते हैं। बाकायदा उनके पास में ARI से एफिलेटेड मशीनें हैं जो पुणे में है और एक बापूराव इंजीनियरिंग में है। वो मशीनें नागपुर में भी अवेलेबल नहीं है। हमने जब यहाँ मालूम किया तो नागपुर में भी मशीनें नहीं अवेलेबल। ये टोटल फोर व्हीलर जितने 4 व्हीलर 6 व्हीलर एनी व्हीकल जितनी है, 3 व्हीलर 2 व्हीलर सब पे लागू होता है जिससे धुआं निकलता है। हमारे अहद भाई इस पर आगे मेहनत कर रहे हैं एक डिज़ाइन तैयार करने में, जो चिमनी से धुआं निकलता है बड़ी बड़ी, उस पर भी उसका भी डिज़ाइन लगभग हमारा तैयार हो चुका है। इसके लिए हमारे पास में कंपनी से मीडिएट करने वाले कुछ लोग टच में आए हैं जो हमको यानी जॉइंट वेंचर का ऑफर कर रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा सोचना है कि अगर डायरेक्ट ऑटोमोबाइल कंपनी सेक्टर आती है टच में तो वो बहुत जल्दी काम कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर रेडी रहता है, सिर्फ डिज़ाइन में कहीं फिट करना है और उसको लॉन्च करना है। उसके लिए कंपनी जो समय ले, 3 महीने 2 महीने 5 महीने का, उसके बीच में लॉन्च हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय से अभी बात नहीं हुआ, नितिन गडकरी जी नागपुर से है, उनके पास भी हम जब प्रपोजल अभी सब यहाँ पे उसमें लगे हैं उनके जन्मदिन में, उनके पास भी ये प्रस्ताव हमारा जाने वाला है। और गवर्नमेंट इसको ये प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लेना चाहिए क्योंकि ये जनहित में बहुत बड़ा योगदान है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए INN24 पर। नमस्कार।